लगता है भयंकर परी को हमारे परीलोक से निकलने की योजना के बारे में पता चल गया है। पर बाल परी, ये कैसे हो सकता है? ये समय ये सब सोचने का नहीं है गाल परी। हाँ, इस समय हमें ये सोचना है कि हम भयंकर परी से कैसे बचे। पर हम करें भी तो क्या करें, भयंकर परी हमारी तरफ तेजी से आ रही है और हमारे जादुई दंड तो जागृत ही नहीं हो रहे। और हम करें भी तो क्या करें, जब तक हम छोटे नहीं होंगे इस गुप्त रास्ते में से नहीं जा सकते। जल्दी कुछ कीजिए बाल परी, बताइए हम क्या करें। हाँ बाल परी, अगर भयंकर परी यहाँ आ गई तो हम परी लोक से दोबारा कभी बाहर नहीं जा पाएंगे। कुछ कीजिए बाल परी। परियों, जब तक हमारे जादुई दंड की शक्तियाँ जागृत नहीं हो जाती, हमारे पास और कोई चारा नहीं है। हमें यहाँ से भागना ही होगा, वही उचित होगा। अब सही करिए बाल परी, चलिए। सच्चाई को है हराना, बन जाए जादुई कैद खाना। नाराज परी, काय करतो तिकडे? अरे केव्हापासून पाठी वाट बघते, जा लवकर लोड कर। हा भाऊ लोड करतो, ए करा लवकर लोड करा। बाबा। हाँ देवा बेटा बोल। बाबा मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। बोल ना। बाबा आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना? अरे बच्चों के बातों का कभी कोई बुरा मानता है क्या बेटा? बोल ना बिंदास बोल। दरअसल मैं ये सोच रहा था, मतलब मैं आपसे पूछना चाहता था कि आप और आई बोल रहे हैं ये मेरा घर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये पहले मेरा घर था। देवा देख, तू बेकार में ऐसा सोच रहा है, ये तेरा ही घर था, है और रहेगा। लेकिन मेरे दिमाग में जो तस्वीरें बनती है उसमें मुझे अपना घर दिखाई क्यों नहीं देता? क्योंकि ये तुम्हारा घर नहीं है। पर शांता की तबीयत ना बिगड़े फिर से, इसके लिए तुम्हें सच भी नहीं बता सकता। बाबा आप क्या सोच रहे हैं, आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं ना? नहीं बेटे, मैं कुछ नहीं छुपा रहा हूँ। देख मुझे पूरा विश्वास है, जब भी तुझे याद आएगा ना, तब अपना घर, तेरी आई, मैं, हम सब याद आ जाएंगे। परी से बच के भागना चाहती थी तुम बेवकूफ परियां, भूल गई थी
ये भयंकर परी से बचकर कोई नहीं जा सकता। अब मैं तुम सबको ऐसी सजा दूंगी कि तुम भागना तो दूर, भागने के ख्याल से भी कांप उठोगी। एक पल ठहरिए भयंकर परी। क्या हुआ जयवीर? अभी भी सब परियां यहां नहीं है। नटखट परी यहां नहीं है, इसका मतलब नटखट परी अभी भी आजाद घूम रही है। कोई बात नहीं, बहुत देर तक आजाद नहीं रहेगी। मेरी प्यारी शैतानी चील, जाओ मेरे पास, आओ मेरी शैतानी चील। चलो चील। बुराई की फितरत होती है खोटी, मैं हो जाऊं छोटी। अब कैसे बचोगी मुझसे नटखट परी? भयंकर परी के खिलाफ साजिश रचकर बहुत बुरा किया है तुम सभी, अब इसका कड़ा दंड मिलेगा तुम सबको। जयवीर ये मत भूलो कि नटखट परी अभी तक आजाद है और वो आकर हम सबको भी आजाद कराएगी, देख लेना। नटखट परी वो भी नहीं बचेगी, देखना चाहती हो भयंकर परी उसका कैसा हाल करती है? तो देखो। देखो देखो अपनी आंखों से देखो तुम्हारी नटखट परी को, देखो। एक बार फिर से कोशिश करती हूँ। बुराई की फितरत होती है खोटी, मैं हो जाऊं छोटी। कुछ नहीं हो रहा। अब इस आग के गोले से मैं नहीं बच पाऊंगी। जहां छुपना चाहो छुप लो नटखट परी, लेकिन आज तुम भयंकर परी के गुस्से से बच नहीं पाओगी। अब तुम बच के कहां जाओगी? अगर कदम आगे लोगी तो मैं हूं भयंकर परी, यानी तुम्हारा अंत। और अगर कदम पीछे लोगी तो इस मायावी झरने में गिरोगी, यानी तुम्हारा अंत। हे देवता, अब मैं क्या करूं? कैसे बचूं? मेरे लिए तो आगे कुआं है, पीछे खाई।
तुम्हारी नटखट परी पानी में। तू सोच मत बेटा, ये तेरी उम्र खेलने कूदने की है, जा खेल ले। और एक बात ध्यान में रखना, तुम हमारे बेटे देवा ही हो, हा? जा खेल। ठीक है ना बेटा, कहीं लगी तो नहीं? हाँ। और तुम लोग एक काम ठीक से रखने होता, कहाँ ध्यान था सबका? अगर देवा को कुछ हो जाता तो जाओ तुम यहाँ से, चला जाओ, मुंह मत दिखाना, जाओ। देवा, देवा, तू आ, तू आ यहाँ। देवा, क्या आप अभी कहेंगे कि मैं आपका बेटा हूँ? अगर मैं हमेशा से यही हूँ, आपका बेटा हूँ, तो फिर कहाँ से आई मुझमें यह असाधारण शक्तियाँ? क्यों मैं वो सब कर सकता हूँ जो मेरी उम्र के बाकी बच्चे नहीं कर सकते? देखिए, मैं कुछ नहीं जानता कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, इसलिए आप मुझे सच सच बता दीजिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ। सच तो यह है कि मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। तुम तो हमें सागर किनारे मिले थे, जलसे के पहले दिन। भाव, दरिया किनारे एक बच्चा मिला है जो शायद बहता हुआ इस तरफ आ गया है। कौन है वो? देवा है वो। देवा, देवा, शांता, देवा, मेरा देवा, मैंने कहा था ना, मेरा देवा आ जाएगा अपने एक पर। शांता ने सालों बाद कोई शब्द बोला था और वो था देवा। उसने तुझे अपना बेटा मान लिया, तो फिर उसके प्यार को देखकर मैं भी तुम्हें कभी सच बता नहीं पाया बेटा, बता नहीं पाया। अरे रे, देख के तुम सबकी आंखों में ये दुख के आंसू आ रही है, हम सबके चेहरे पे खुशी। ये देखो, ये देखो, ये देखो। चिंता मत करो तौबा तौबा, बहुत जल्द ये दुख के आंसू तुम सबकी आंखों में भी होंगे। रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। भयंकर परी के खिलाफ जाने का परिणाम देखकर भी तुम लोगों को अकल नहीं आई? परिणाम तो तुम्हारा बुरा होगा भयंकर परी, और वो भी बहुत बुरा। तुम मेरी नहीं, अपनी और बाकी परियों की चिंता करो, और सोचो कि आज तुम्हारी एक गलती की वजह से तुम्हारी प्यारी नटखट परी तुम्हारे प्यारे बालवीर के पास चली गई। ये कौन सी जगह है? Thank you.
ये तो मैं पृथ्वी लोक पहुंच गई। चलो अच्छा ही हुआ, अब मैं यहाँ बालवीर को ढूंढ पाऊ और उसके साथ मिलकर उस दुष्ट भयंकर परी को परीलोक से निकाल दूंगी। ये बच्चे तो मेरी ही ओर आ रहे हैं, मुझे जल्दी से अपने सही रूप में आ जाना चाहिए वरना मैं इनके पैरों के नीचे आ जाऊंगी। लेकिन मैं अपने सही रूप में कैसे आऊं? मैं बड़ी कैसे हूं? मेरा जादू दंत तो मेरे पास है ही नहीं। फोन कर लिया हमें, यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है, तू जल्दी से घर पे आ जा। महर बेटा सब कुछ ठीक है यहाँ पे? वो क्या है ना, मानव को तेरी बहुत याद आ रही थी इसलिए। हाँ मेरी बिटिया की याद तो आएगी बेटा, अभी तू इतने दिनों के लिए गई है ना, तो इसलिए। एक मिनट महर। बेटा तेरे बिना सारा घर सुना सुना लग रहा है। नहीं नहीं आने की कोई जल्दी मत करना, एंजॉय कर बेटा। हाँ महर, बस बेटा अब ज्यादा बात मत कर वरना तेरी बहुत याद आएगी। अब फोन रख और तेरा ध्यान रखना। हाँ बाय। सर जी जूते। ओए चुप कर रहे, जूते जूते जूते। ओए अब ये कार मेरा है, अपने घर में मैं जैसे मर्जी आऊं। क्या हाल है भाई डगली फैमिली? उस दिन तो बड़ा हंस रहे थे, क्या हुआ सांप सूंघ गया आज? कहा है भाई पैसे हैं? आपको सब पता है फिर क्यों पूछ रहे हो? अब मेरी तो आदत है मजाक करने की, क्यों भाई ठीक है ना? ठीक ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है और आप अच्छे आदमी नहीं हो। ओए छोटे सनी, ओए मैंने कब कहा कि मैं अच्छा आदमी हूँ? मैं तो बुरा आदमी ही हूँ, और जो लोग मेरे ऊपर हंसते हैं ना उनके लिए तो मैं बहुत ज्यादा बुरा हूँ। क्यों ठीक है ना? ठीक वो सब तो दिख रहा है लेकिन तुम जो कर रहे हो ना वो ठीक नहीं है। ठीक वो डगली साहब, मगर अभी तक तो मैंने आपके साथ कुछ गलत किया ही नहीं है, और गलत तो मैं आपके साथ अब करूंगा। क्यों ठीक है ना? ठीक बुला अपने बंदों को और सामान बाहर फिंकवा इनका। और चुनीलाल मुनीलाल आ जाओ जी, अंदर आओ। भाई क्या पैरों में मेहंदी लगाई हुई है, जल्दी आओ, फेंको इनका सामान उठा के। एक मिनट, आप लोग ऐसा कुछ नहीं कर सकते वरना हम पुलिस को बुलाएंगे। मैं शायद कुछ बोली ना। पुलिस को बुलाओगे? और बुला लो जी बुला लो, मेरा तो काम आसान हो जाएगा। और ये पेपर देखे, पेपर इस पे तुम्हारे इन बाबू जी के साइन है और साफ साफ लिखा है अगर हम पैसे नहीं दे पाए तो चुपचाप कार छोड़ के चले जाएंगे। तो फिर दे दो ये कार मेरे को। देखो हैप्पी सिंह, हमने पैसे लौटाने के लिए मना नहीं किया है, हम दे देंगे तुम्हारे पैसे। दे दोगे? कोई कब दे दोगे? कोई लॉटरी निकल आएगी तुम्हारी, और लॉटरी निकल भी आई तो पैसे तो बैंक से ही आने हैं और बैंक तो बंद है, यानी पैसे आएंगे नहीं और कार मेरा। भाई देख क्या रहे हो चुनीलाल मुनीलाल, फेंको सामान इनका उठा के बाहर। यस बॉस। एक भी सामान इस घर में बचना नहीं चाहिए क्योंकि कल मैंने इस घर के ऊपर बुलडोजर चलवा देना है। ओए मानवाने एक वड्डा बुलडोजर मंगवा। हैप्पी सिंह जी हो सकता है हाँ हमारी किसी बात का आपको बुरा लग गया हो लेकिन प्लीज प्लीज हैप्पी सिंह जी ऐसा मत करवाइए, हमारा घर हमसे मत छीनिए प्लीज। भाई साहब मैं क्या करूं, मैं बंदा ही कुछ इस तरह का हूं क्योंकि मेरे को तो छीनने में ही मजा आता है। हैप्पी सिंह जी
तुम्हारे आदमियों को कहो कि हमारा सामान इधर उधर न फेंके। बिल्कुल सही कह रहे हो। एक मिनट रुक जाओ, इधर आओ। चुनीलाल मुनीलाल, डगली साहब ठीक कह रहे, इनका सामान इधर उधर मत फेंको। थैंक यू। उठा के घर के बाहर फेंको। क्या वो सच में डुबा डुबा एक था और वो परी लोक से आया था? परी लोक जैसा कुछ होता है और मैं वहां से आया हुआ बच्चों का रक्षक बालवीर हूँ? नहीं नहीं, मुझे इस सब बातों पे विश्वास नहीं। और वैसे भी परी लोक परिया ऐसा कुछ होता ही नहीं है। कहाँ गया मेरा जादू इधर? कहीं वो पानी में तो नहीं बह गया? अगर ऐसा हुआ तो मैं बालवीर को कैसे ढूंढूंगी? मेरा जादू धन, शुक्रिया यहां मिल गया। ये क्या कर रहे हो? ये कौन सा तरीका है तुम लोगों का? अरे भाई साहब, इन्हें रोकिए, ये सब क्यों कर रहे हैं? बापू जी सब चाहिए ना, प्लीज। तुम हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अगर हमसे कोई गलती हुई तो हम माफी मांगते हैं। नहीं बापू जी, ऐसे आदमी से आप माफी मांग पानी? भाई बात सुनो, ऐसे आदमी से नहीं मांगनी चाहिए तो फिर कैसे आदमी से मांगनी चाहिए? और मैं तेरे को कह रहा हूँ मेरे से माफी मांगो। और पैसे मांग रहा हूँ, पैसे दे नहीं रहे। अब मेरे ऐसे गरीब बंदे को तुम्हारे घर से ही काम चलाना पड़ेगा और मैं क्या करूंगा? हम पैसे लौटा देंगे। और कब लौटा दोगे? जो टाइम दिया था उसमें तो लौटाए नहीं, अब लौटा दोगे? मैं कैसे मान लूं? जो वही मान मानी, ठीक है ना? ठीक ओ जी, बिल्कुल ठीक है जी। हमसे पापा इतना समझा रहे, अब समझते क्यों नहीं है? ओए छोटे सनी, और जहाँ खड़ा है ना वहीं खड़ा रहे, चुपचाप। चिड़ी का बाप चिड़िया मर गई, सबको बाप। भाई मैं कैसे भी समझने वाला नहीं हूँ। एक काम करो, किसी को बुला लो जो मुझे समझा सके। अपने उस बालवीर को बुला लो, और जैसे उसने उस दिन पारक बचाया था, हो सकता है तुम्हारा घर भी बचा ले। क्यों, ठीक है ना? ठीक। कीजिए मत अब ज्यादा बालवीर, वरना आ जाएगा वो सच में और बजाएगा आपका बैंड। हाय, बैंड बजाएगा? बजा ले बैंड, मैं अभी नाच लूंगा थोड़ा सा। तेरे को क्या लगता है हम बेवकूफ है? और बालवीर है ही नहीं तो आएगा कहाँ से? है कहाँ बालवीर? नहीं है बालवीर, और आएगा वो। तुझे कैसे पता बल्लू कि बालवीर है? क्योंकि हूँ, मिला मैं उससे। मेरा जादुई दंड खिल जाए, धूप मिल जाए मुझे मेरा सही रूप। जादू चल जाए, कोई मुझे देख ना पाए। अब मुझे डूबा डूबा से मिलने सास सचो के परिवार में जाना चाहिए, शायद उसे बालवीर के बारे में कुछ पता हो। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब तू ये कहना चाहता है कि बालवीर है? तो भाई ये भी बता दे कि है कहाँ, कहाँ मिला तू उसको? वो मैंने है ने बालवीर को कुछ याद, और है ने उसके पास उसकी शक्तियां भी। तो अगर मैंने बता दिया इन्हें कुछ, तो चल सकता है पता उस दुष्ट जयवीर को, और है कर सकता पैदा वो बालवीर के लिए खतरा। ओए बोलता क्यों नहीं? अब बोलती क्यों बंद होगी तेरी? सांप सूंघ गया तेरे को? वो बालवीर है मेरे दिल में, है वो सब बच्चों के दिल में। ओए वो तेरे दिल में? तू उससे मिला कहाँ? अपने दिल में? नहीं, सपने में। हे देवता, है नहीं बचा पड़ा बालवीर अपने परिवार का घर,
लेकिन काश आ जाए कोई और उसके परिवार का घर बचाने के लिए। ये क्या सास सचों के परिवार का घर एकदम खाली क्यों है? यहां सामान क्यों नहीं है? देखो एपी सिंह, हम आपके पैसे लौटा देंगे, सिर्फ दो दिन का समय दो, बैंक खुलते ही हम आपके पैसे लौटा देंगे। और मैं तुमको क्या पागल नजर आता हूँ? और पहले मैंने कोशिशें कर करके तुमको बैंक ही नहीं पहुंचने दिया, अब तुम चाहते हो मैं तुमको टाइम दे दूं, बैंक जाके पैसे ले आओ? और मेरे को मकान चाहिए, मकान। देखिए एपी सिंह, आपको जो चाहिए वो हम देने के लिए तैयार है। और जो कहूंगा वो दे देगा चुपचाप? फिर मकान ही दे दे यार। नहीं तो जैसे सामान निकाल के बाहर फिकवाया ना, तुम्हारे ताम तुमड़े भी निकलवा के फिकवा देने मैंने। और चुपचाप अपने सामान मान दे जाओ ऐसे। डूबा डूबा एक, डूबा डूबा एक, कोई जवाब नहीं। कोई बात नहीं, मैं भी डूबा डूबा एक को जादू से बुलाती हूं। एक से भले अनेक, आ जाए यहां डूबा डूबा एक। डूबा डूबा एक, नटखट परी, आप यहां है कैसे? सब परीलोक में है, सब वहां ठीक ना? नहीं डूबा डूबा एक, वहां कुछ भी ठीक नहीं है। दुष भयंकर परी ने परीलोक में अपना राज्य कायम कर लिया है। भयंकर परी ने? पर कर दिया था उसका अंत तो बालवीर ने? नहीं, उसका अंत नहीं हुआ था, बल्कि वो रानी परी बनकर हमारे बीच आ गई थी और फिर बालवीर को अपने रास्ते से हटाकर उसने पूरे परीलोक में अपना राज्य कायम कर लिया। वो तो देवताओं का शुक्र है कि हमारा बालवीर जीवित है, और मैं भी बड़ी मुश्किल से परीलोक से निकलकर यहाँ उससे मिलने आई हूँ। हाँ नटखट परी, जानता हूँ मैं भी कि है बालवीर जीवित, और मिला भी मैं उससे, और भेजा भी था मैंने एक संदेश गेंद के रूप में परीलोक में। हाँ उसी की वजह से तो हमें पता चला था कि बालवीर जीवित है, हमने एक जवाब भी भेजा था, लेकिन उसके बाद बालवीर की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, पता नहीं क्यों। वो दरअसल याद ही नहीं है बालवीर को कि है वो बालवीर। क्या? बल्कि उसे तो ना मैं याद हूं और ना ही परीलोक। अगर ऐसा है डूबा डूबा एक, तो हमें तुरंत बालवीर के पास जाना चाहिए, ताकि उसे सब कुछ याद दिलवाने में हम उसकी मदद कर सके। और अपने बंदों को कहे एक समान भी घर में नहीं बचना चाहिए। ये आवाज किसकी है? ये आवाज है दुष्ट हैप्पी सिंह की, जो छीनना चाहता है सात सच्चों के परिवार से उनका घर और निकालना चाहता है उन्हें यहाँ से। मेरे होते हुए ऐसा नहीं होगा, मैं उस हैप्पी सिंह को सात सच्चों के परिवार का घर नहीं छीनने दूंगी। लेकिन रोकेंगे हम कैसे उसे? पृथ्वी लोक का कानून है उसके साथ। अगर कानून उसके साथ है तो हमारे पास भी अच्छाई का जादू है, हम कानून को अपनी तरफ कर लेंगे। समझ गया। लेकिन बल्लू, उसका भी उपाय है मेरे पास। चले
चलो। बल्लू तू कहाँ चला गया था? वो गई थी मैं, मतलब गया था मैं ये तस्वीर लेने के लिए। बल्लू बहुत अच्छा किया तूने, ये फोटो फ्रेम ले आया, हम मिशी से अपने घर को याद कर लेंगे। हम तो होंगे लेकिन ये घर नहीं होगा जहाँ हमने ये फोटो खिंचवाया था। चिंता मत करो मानो, ये घर हमारा ही रहेगा। कैसे? बस देखते जाओ। अरे तुम चाहो तो हम तुम्हें ज्यादा पैसा दे देंगे लेकिन हमारा मकान हमको वापस दे दो। ज्यादा पैसे? और जितने बनते हैं उतने तो तुम दे नहीं पा रहे हो, ज्यादा कहाँ से दोगे? और मैं कोई फालतू बात तो तुमसे कर नहीं रहा हूँ, जो इन कागजों पर लिखा हुआ है वही कह रहा हूँ। पैसे दे दो या मकान दे दो, पैसे है नहीं मकान दे दो। क्या मैं कागज देख सकता हूँ? कब आएगा ये देवा? कहाँ घूमता रहता है? अपनी आई से भी बात करने की फुर्सत नहीं है इसे। अब आने दो, उसकी अच्छी खबर लेती हूँ। कहाँ ढूंढने जाऊं मैं अकेले भी? आई? अरे देवा, देवा आ गया तू? कहाँ घूम रहा था? चला जा, यहाँ पे बैठ जा। आई क्या होगा ना तू? आई आई मैं वो मैं तुझसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बता क्या चाहिए मेरे देवा को? आई वो मैं वो मुझे पता चल गया है कि मैं देवा। क्या हुआ? अरे तू नहीं वो देवा, मैं तो भूल ही गई, मैंने तेरे लिए खास पूरन पुली बनाई है। तो बैठ जा, बैठ यहाँ पर। पर आई बातें बाद में होगी, तू बस एक मिनट बैठ, मैं अभी लाती हूँ। आई देवा, मैं जानता हूं कि हम सही नहीं कर रहे तुम्हारे साथ। मुझे नहीं लगता कि ये सही समय है शांता को सब सच बताने का। नहीं मतलब मैं बताऊंगा उसे, सब बताऊंगा, पर पहले तुम्हें तो सब याद आने दो, फिर मैं और शांता खुद तुम्हें तुम्हारे परिवार वालों के पास ले जाएंगे बेटा। फिर भी अगर तुम शांता को बताना चाहते हो तो मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं होगी बेटा। आ गई, गरम पुली तैयार है। क्या बातें हो रही है? खोलो 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 खोलो, मुंह खोलो। ये पहला निवाला अपनी आई के हाथों से। अच्छा बता, क्या बताना चाह रहा था तू? आई मैं बस इतना कहना चाहता था कि तू इस दुनिया की सबसे अच्छी आई है, और उससे भी अच्छी तू पूरन पूरी बनाती है। और तू पूरन पूरी से भी मीठी बातें बनाता है। ओए कौन है? ओए पहले ये बता क्या मैं तेरे को देख सकता हूँ? इधर नीचे। मैं कानून का रखवाला, मैं बहुत बड़ा वकील हूँ। ओए कानून का रखवाला, इतना छोटा वकील? ओए मानवानी देख कितना छोटा वकील। मुझे मजाक पसंद नहीं है। तो मैं क्या करूं, छोटा है तो छोटा ही कहूंगा ना। अब बोल। नहीं, 3 इंच अभी भी कम है। मुझे मजाक पसंद नहीं है।
तो फिर क्या पसंद है तेरे को? लड्डू, आप मुझे सब पसंद है सिवाय तुम जैसे बुरे लोगों के। अच्छा कह रहे, ये बता तू आया कहाँ से? परीलोक से। हाँ? अब थोड़ी आऊंगा मैं तो आया हूँ यहाँ अदालत से। ओए तू, हाँ? मेरा मतलब है वकील साहब, आप अदालत से यहाँ पे आए क्यों? कबड्डी खेल। अच्छा अच्छा फिर ठीक है। क्या? वकील साहब, पेपर पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर इन्होंने मेरे पैसे नहीं दिए ना तो इनको घर छोड़ के जाना पड़ेगा। घर तो छोड़ना पड़ेगा। इन्हें नहीं तुम्हें। ओए ऐसे कैसे चले जाएंगे थी यहाँ से? तो क्या तुम्हारे लिए रिक्शा मंगवा दो? रिक्शे की तो कोई जरूरत ही नहीं सर, मेरे पास गड्डी है। मगर सर जी ये गलत कर रहे हो आप, पेपर पे लिखा है कि कार इनको छोड़ना पड़ेगा, आप कह रहे हो मुझे छोड़ना पड़ेगा। वो मैंने इसलिए कहा क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा है कि इन्हें घर नहीं छोड़ना पड़ेगा। मत दिखा भाई, एक मिनट पकड़ इसको। अरे देख देख। ओ भाई जरा पढ़ के बताइयो क्या लिखा है। अरे सर जी अगर मैं पढ़ा लिखा होता तो ये काम थोड़ी करता, आपकी तरह बिल्डर बनता ना। ओ मानवानी तू क्या खड़ा हुआ खड़ा, तू पढ़ के बता क्या लिखा है। इसको सर इसमें लिखा है कि इन्हें घर नहीं छोड़ना पड़ेगा। देखा तुमने अपनी गलती का परिणाम, आज तुम सब फैज में हो। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है तुम्हें भयंकर परी, क्योंकि बहुत जल्द तुम यहाँ पर होगी और हम सब इस कैदखाने से बाहर। हाँ भयंकर परी, इस परीलोक में सच्चाई और अच्छाई का ऐसा तूफान आएगा जो तुम्हारी बुराई को जड़ समेत उखाड़ देगा। याद रखो भयंकर परी, बुराई की सांसें ज्यादा लंबी नहीं होती। सांसें तो मैं तुम्हारी रोकूंगी अगर तुम परियों ने मुझे अपनी रानी परी नहीं माना। हम तुम्हें अपनी रानी परी कभी नहीं मानेंगे और ना ही कभी बुराई का साथ देंगे। तो भुगतो सजा। इन छोटी सजाओं से कुछ नहीं होगा भयंकर परी। तो फिर क्या करूं, कैसे तोड़ूं इनकी हिम्मत? इनकी सबसे बड़ी ताकत है इनकी एकता। भयंकर परी आपको पहले इन सबको अलग अलग करना होगा और फिर एक एक करके इन सबको अपने दल में शामिल करना होगा। तो ठीक है, इन्हें अलग अलग करने की शुरुआत मैं अभी से कर देती हूँ। ऐसे कैसे हो गया? वही जरूर यहाँ पे कोई गड़बड़ चल रही है। कोई गड़बड़ है? हाँ गड़बड़ है। तुम्हारी आंखों में उसकी जांच कराओ। ओ वकील साहब मेरी आंखें एकदम दुरुस्त हैं। तो तुम्हारा दिमाग खराब होगा। और मेरा दिमाग भी बिल्कुल ठीक है। तो तुम्हारी जबान खराब होगी। दिखा। मैं नहीं दिखाता जबान। मैं कानून का रखवाला हूँ, मुझे जबान खुलवानी आती है। कैसे? ऐसे।
हैं? कितनी गंदी जबान है तुम्हारी, झूठ ही झूठ लिखा इस पर। ओए मैं ये सब मानता ही नहीं, और ऐसा हो ही नहीं सकता, और ये पेपर मैंने खुद चेक किए थे। अच्छा चलो आपकी बात मान भी ले वकील साहब, तो इस पे तारीख क्या डली हुई है? 3 मई। और 3 मई मतलब आज? अगर आज तक इन्होंने मेरे को पैसे नहीं दिए ना, तो इनका मकान मेरा, पैसे ये दे नहीं पाएंगे, मकान मेरा। अच्छा चल दिखा उसमें क्या लिखा है। दिखा दे मानवानी। पढ़ो पढ़ो। और वकील साहब ये कागज देख के क्या हंस रहे हो? कागज देख के नहीं हंस रहा हूँ, मैं तुम्हें देख के हंस रहा हूँ। इसमें साफ साफ लिखा है कि आखिरी तारीख 3 मई 2015। यानी इनके पास अब पूरा 1 साल है तुम्हारा पैसा वापस करने का, और तब तक तुम इनसे इनका घर नहीं छीन सकते। ओए, ओए, एक मिनट। ओए मेरे को गड़बड़ लग रही है, इस सब में तुम्हारी कोई ना कोई चाल है। ओ वकील साहब, आप मेरे को वकील साहब कम जादूगर ज्यादा लग रहे हो। ओए इनका घर छीनने से मेरे को कोई नहीं रोक सकता। हम रोकेंगे। ओ इंस्पेक्टर साहब, आपको किसने बुला लिया? इन्होंने कंप्लेंट नहीं लिखवाई, मगर हमारी नजर तुम पे थी हैप्पी सिंह। पर देखो इंस्पेक्टर साहब, देखो तुम हैप्पी सिंह, क्योंकि हमने सब कुछ देख लिया है। अगर पेपर पे सब कुछ लिखा हुआ है तो तुम इन्हें इनके घर से नहीं निकाल सकते। लेकिन आप इन्हें यहाँ से जरूर निकाल सकते हैं। ओ तेरी हो हैप्पी सिंह। इंस्पेक्टर साहब, मैं तो मजाक कर रहा था। ओ भाई साहब मेरे से गलती हो गई, ये सामान आप अपने आप अंदर रख लेना। ओए मानवानी, ओ चलो यहाँ से चल निकल बराबर। ओए चलो, मैं तुम्हें जरा पुलिस चौकी छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं भाई साहब, चले जाएंगे अपने आप। चलो चलो चलो। अरे मैं कानून का रक्षा ना हूँ। स्मिता बाबूजी, अब हम अपने घर में ही रहेंगे। पूरा परिवार फिर से इस घर में खुशी से रहेगा। ये देवा, तुमने शांता के बारे में जो किया उसके लिए शुक्रिया। अरे मैंने जो भी किया वो सिर्फ अपनी आई के लिए किया। तुम सचमुच बहुत अच्छे बच्चे हो देवा, तुम्हारा परिवार जहां भी होगा उसे तुम पर हमेशा गर्व होगा। पर मैं कौन हूं और मेरा परिवार कहां है, ये मैं कैसे पता लगाऊं? तो मैंने कहा था ना तुमसे कि यहां वापस मत आना। आया नहीं मैं इस बार अकेला, बल्कि है मेरे साथ कोई और भी। नटकट परी, नटकट परी। बालवीर, नटकट परी बताइए इसे कि है ये बालवीर। देखो पहले तुम डुबा डुबाए, हाँ, और अब ये नटकट परी। मैं परी लोग और परियों में विश्वास नहीं रखता। अच्छा तो ये लो। ये भी
बोलो, अब तो विश्वास हुआ कि मैं एक परी हूँ? हाँ, मुझे विश्वास हो गया कि आप एक परी है, पर मैं आपका बालवीर नहीं हूँ। अगर ऐसा है तो तुम्हारे अंदर ये असाधारण शक्तियां कहाँ से आई? वो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं जानती हूँ, और अब तुम भी जान जाओगे कि तुम बालवीर हो। लेकिन क्यों? बालवीर तुम सुन क्यों नहीं रहे हो? चलो आओ। अरे जाओ। आज से तुम लोग यहाँ नहीं खेलोगे, समझे? पर क्यों? क्योंकि ये जयवीर की इच्छा है। आज से पृथ्वी लोक पे बच्चों का खेलना मना। तुम लोग ऐसे नहीं मानो, देखो मैं क्या करूँ। ये मेरा बेटा है। ये जयवीर यहाँ कैसे आया? जयवीर कौन है? हमारा तुम्हारा परी लोक का और बच्चों का दुश्मन, भयंकर परी का है ये साथी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अब परी लोक, ये समय कुछ समझाने का नहीं है बालवीर। मैं तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर दूंगी, लेकिन इस समय तुम यहाँ से चले जाओ। मैं चला जाऊँ? वो मेरे दोस्तों को परेशान कर रहा है और मैं यहाँ से चले जाऊँ? मैं कायर नहीं हूँ। मैं जानती हूँ बालवीर, तुम कायर नहीं बल्कि एक शूरवीर, लेकिन इस समय मैं तुम्हें सिर्फ इतना समझा सकती हूँ कि अगर इस जयवीर ने तुम्हें देख लिया या पहचान लिया कि तुम बालवीर हो, तो पूरे परिलोक पे विनाश के बादल छा जाएंगे। लेकिन बालवीर, तुम्हारे दोस्तों की परवाह मत करो, उनकी रक्षा के लिए मैं यहाँ पर हूँ। इस समय तुम्हारा यहाँ से जाना ही अच्छा होगा। तो बड़ो भाई समझाओ इसे। बालवीर, देखना भाई, जयवीर तुम्हें सही होगा कि तुम यहाँ से जाओ। और हाँ बालवीर, हाँ, किसी भी हाल में तुम जयवीर के सामने मत जाना, चाहे जो भी हो जाए। लेकिन जाओ बालवीर, जाओ। अब जाओ यहाँ से, दोबारा मत आना वरना बहुत मारूंगा। मुझे यहाँ मेरे किसी दुश्मन के होने का संदेह क्यों हो रहा है? बुराई अच्छाई के सामने अपने घुटने दे टेक, गायब हो जाए मैं और डूबा डूबा एक। बालवीर, वो बालवीर जैसा क्यों लग रहा है? बालवीर यहाँ कैसे हो सकता है? और वो बच्चा भाग क्यों रहा है? कुछ तो गड़बड़ है, मुझे जाके देखना चाहिए। मैं परियों और परियों में विश्वास नहीं रखता। अगर ऐसा है तो तुम्हारे पास इतनी असाधारण शक्तियाँ कहाँ से आई? हमारा तुम्हारा परिलोक और परियों में विश्वास नहीं रखता। नहीं रखता। नहीं रखता। नहीं रखता।
पास इतनी असाधारण शक्तियां कहां से आई? क्यों सुनाई दे रही है मुझे आवाजें? क्यों? मामूली बच्चा जयवीर का क्या बिगाड़ सकता है? तुम्हारा जन्म एक खास कारण से हुआ है। तुम्हें पृथ्वी लोक में जाकर बच्चों की और भले लोगों की रक्षा करनी, पृथ्वी पे भलाई कायम रखनी और भयंकर तरीके के बुरे इरादों से पृथ्वी लोग की रक्षा करनी। चलो अंत भला तो सब भला। आज पहली बार हैप्पी के जाने से हम हैप्पी हुए। और पापा ये सब कुछ उस वकील अंकल की वजह से हुआ है। अरे हाँ महेश, हमें उस वकील को थैंक यू बोलना चाहिए। मुझे उसका नंबर दीजिए ना, आप भी फोन करती। विदा, अरे वो नंबर मेरे पास नहीं है, उसे तो बापूजी ने बुलाया था। बापूजी के पास होगा। बापूजी, ए, मेरे पास उसका नंबर नहीं है, मैंने उसे नहीं बुलाया। मुझे तो लगा तूने बुलाया। मैंने नहीं बुलाया, मुझे लगा आपने बुलाया है। एक मिनट, तो वो था कौन जो चुपचाप हमारी मदद करके चला गया? जरूर कोई भला आदमी होगा, भला काम करके चला गया। पापा, ये बल्लू किसका भला करने चला गया? बेटा अपने चाचा के यहाँ गया होगा, यहाँ जो जो कुछ हुआ ना वो बताने गया होगा, है ना? पर हास्मिता, इस बात पर खीर तो बनती है। तुम ठीक तो हो ना बाल? मेरा मतलब है देवा, तुम ठीक तो हो? देवा नहीं, बालवी। हाँ नटखट परी, मुझे सब याद आ गया है। तो फिर इटली? बिटली आ गई तितली। बालवीर, मेरा मित्र बालवीर। हाँ क्या, तुम्हें सब कुछ याद? खुश रहो नटखट परी, खुश रहो, खुश रहो डुबा डुबाई, खुश रहो, खुश रहो बालवीर, खुश रहो बालवीर। शुक्र है तुम्हें सब याद आ गया। हाँ नटखट परी, लेकिन अब बारी है भयंकर परी और जयवीर को उनकी गलतियां याद दिलाने की। अब मिल जाएगी परीलोक को फिर से आजादी उस भयंकर परी के बुराई के रास से। लेकिन उसके लिए तुम्हें तुम्हारा रूप वापस मिलना चाहिए। शुक्रिया नटखट परी। भयंकर परी, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि अब मैं तुम्हारा अंत करूंगा और तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे प्यादे जयवीर का भी। आई? हाँ देवा।
तुम बेटा? आई, मैं बालवीर, तेरा बेटा। नहीं नहीं, तू मेरे बेटे देवा का दोस्त है ना? देवा कहाँ है? आई, मैं तेरा ही बेटा हूँ, देवा। ये देवा ही है शांता। लेकिन देवा से पहले ये बालवीर है, जैसे तू उसकी अपनी है, वैसे ये सारी दुनिया उसकी अपनी है। दुनिया का हर एक बच्चा इसका दोस्त है। और चाहे मैं इस दुनिया के लिए बालवीर, लेकिन तेरे लिए तेरा देवा। और तू मेरी आई, जिसने मुझे बहुत प्यार दिया है। और अब जाने से पहले मुझे तेरे आशीर्वाद की जरूरत है, ताकि मैं बुराई का अंत कर सकूं। मतलब तू सचमुच जाएगा देवा? लेकिन अगर तू मुझे अपनी आई मानता है, तो क्यों अपनी आई को छोड़ के जा रहा है? क्योंकि इसकी दुनिया बहुत बड़ी है शांता, और जिम्मेदारियां तो उससे भी बड़ी। पर तेरे लिए इसका प्यार एकदम सच्चा है शांता, इसलिए देख, वो चाहता तो हमसे बिना कुछ कहे भी जा सकता था, लेकिन वो तेरा आशीर्वाद लेने के लिए रुका है, तुझसे आज्ञा लेने के लिए रुका है। अब तू भी उसे रोक मत। हाय, आई चलता हूं। बाल्वी, चलिए नटखट परी, परीलोक चलते हैं। नहीं बाल्वी, भयंकर परी ने परीलोक के चारों तरफ सुरक्षा कवच लगा रखा है, हम इतनी आसानी से परीलोक में प्रवेश नहीं कर सकते। तो फिर करेगा कैसे बालवीर भयंकर परिकांत? बचाएगा कैसे परीलोक को उससे? हम परीलोक जरूर जाएंगे नटखट परी। कैसे बालवीर? हम जल के रास्ते यहाँ आए थे, तो जल के रास्ते से ही हम वापस परीलोक जाएंगे। चलिए नटखट परी, पहले मैं जाता हूँ, फिर आप आइएगा। ठीक है बालवीर। भयंकर परी ने तो पूरे परीलोक में बुराई का अंधेरा फैला दिया, लेकिन अब मैं आ गया और मैं इस बुराई की हवा को ज्यादा देर तक परीलोक में रहने नहीं दूंगा। हाँ बालू, लेकिन उसके लिए सबसे पहले हमें परियों को आजाद करवाना होगा। न जाने परीलोक से बाहर निकलने की कोशिश करने के लिए भयंकर परी ने उन्हें क्या सजा दी होगी, जाने किस हाल में होंगी वो। हमें परियों को ढूंढना होगा। चलिए। तुम सबकी भलाई इसी में है कि तुम मुझे अपनी रानी परी मानकर मेरी गुलामी स्वीकार कर लो। मैं तुम सबको आजाद कर दूंगी। भयंकर परी, तू
तुम्हें रानी परी मानने से तो अच्छा है कि हम हमेशा हमेशा के लिए इसी कैद में रहे। कैद तो तुम्हारे लिए बहुत छोटी सजा है बालपरी, असली दर्द तो तुम्हें तब होगा जब मैं तुम्हारी प्यारी परियों को तुम्हारे सामने चोट पहुंचाऊंगी। पृथ्वी लोक में बच्चों को परेशान करूंगी और उन सबको बुराई का सिपाही बना दूंगी। मेरे होते हुए तुम कभी ऐसा नहीं कर पाओगी भयंकर परी। नहीं बाल, अभी तुम्हारे पास तुम्हारी शक्तियां नहीं है क्योंकि तुम्हारा जादुई दंड जयवीर के पास है, इसलिए तुम ज्यादा देर तक भयंकर परी का मुकाबला नहीं कर पाओगे। तो फिर मैं क्या करूं नटखट परी? ऐसे ही माँ और परियों पे होता हुआ अत्याचार देखता रहूं? नहीं, तुम भयंकर परी से जरूर लड़ोगे और उसे उसके हर गुनाह की सजा दोगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें रानी परी को पावन नदी से आजाद कराना होगा। ये लो बालवीर, इसे आपने हाथ में पहने, इससे निकलने वाली तेज किरणें तुम्हें रानी परी को आजाद कराने में मदद करेंगी। इसकी किरणें पड़ते ही वो सीप खुल जाएगा जिसमें रानी परी कैद है। लेकिन नटखट परी, लगेगा इसमें काफी समय, और इस बीच अगर हो गई भयंकर परी सावधान तो पहुंच जाएगी वो बालवीर तक। नहीं डूबा डूबाएगा, जब तक बालवीर रानी परी को लेकर आता है तब तक मैं यहाँ भयंकर परी को उलझा कर रखूंगी। ठीक है नटखट परी, लेकिन जब तक मैं नहीं लौटता आप माँ और परियों का ख्याल रखिएगा। हाँ बालवीर, जाओ हमारी रानी परी को लेकर आओ। भयंकर परी, हम तो कहते हैं कि तुम रानी परी को आजाद करके उनसे माफी मांग लो, हो सकता है कि वो तुम्हें माफ कर दे। माफी? भयंकर परी किसी से माफी नहीं मांगती, भयंकर परी सिर्फ सजा देती है। अच्छा, तो यही है वो सीप जिसमें रानी परी को कैद किया गया है। मैं अभी इस सीप को खोल के रानी परी को आजाद करती हूँ। सिप तो खुल ही नहीं रहा, अरे मैं क्या करूं, रानी परी को कैसे आजाद करूं? अरे हाँ, मेरे पास नटखट परी का दिया हुआ जादुई कड़ा है ना, मुझे लगा था तुम समझदार हो नटखट परी, पर तुम तो बेवकूफ निकली। ये परीलोक में बिजली कहां से कड़कने लगी है? कहीं कोई रानी परी के पास तो नहीं पहुंच गया है? क्यों भयंकर परी, सिर्फ बिजली कड़कने से डर गई तू? अभी तो सिर्फ बिजली कड़की है, तूफान
विवान आना तो अभी बाकी है, क्योंकि मैं जो आ गई हूं परीलोक में तुम्हारा अंत बनकर। तुम एक मामूली परी करोगी, भयंकर परी का अंत अच्छा मजाक है, पर भयंकर परी मजाक नहीं करती। किरने निकलना बंद क्यों हो गई? लगता है जल में होने की वजह से यह अस्त्र बिगड़ गया। पर मैं सीप को कैसे खोलूं? रानी परी को कैसे आजाद करूं? कैसे? तुम मेरे वार से कैसे बच गई नटखट परी? कैसे? अरे हो गए आपके वार बेकार शायद, और क्या? तबा तबा। वैसे हैरान हो गई भयंकर परी, वार करो मुझ पर, करो। दो दो नटखट परी है? भयंकर परी, हमारी सृष्टि में एक चींटी को भी मामूली नहीं माना जाता। फिर मैं तो एक परी हूं, मैं मामूली नहीं हूं। क्या लगता है भयंकर परी, सिर्फ तुम ही खेल खेल सकती हो? नहीं भयंकर परी, खेल हम भी खेल सकते हैं। गलत, भयंकर खेल खेलती भी है और उन्हें जीतती भी है। दो, तीन, चार, चार, चार नटखट परी, परी भयंकर। क्या हुआ भयंकर परी, थक गई या तुम्हारे पास वार खत्म हो गए? वो क्या है ना, तुम जितने वार करोगी मैं उतने ही रूप लूंगी। बेचारी भयंकर परी, तुम जितने रूप लोगी मैं तुम्हारे उतने ही रूप खत्म करूंगी। मेरी जादुई शक्तियां मेरा साथ छोड़ सकती है, लेकिन मेरी हिम्मत, मेरी ताकत मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगी। लग रहा है भयंकर परी कि तुमने अपनी हार मान ली है, इसलिए जल्द से जल्द सारी परियों को आजाद कर दो। बस बहुत खेल खेल लिया तुमने नटखट परी, अब ये परियां आजाद नहीं होंगी बल्कि तुम भी कैद हो जाओगी। क्या तुम मुझे कैद करोगी भयंकर परी? लेकिन कैसे, और मेरे कौन से रूप को कैद करोगी?
इसे इसे मुझे इसे उसे क्या उसे किसे कैद करोगी? इस खेल की पहली चाल तुमने चली है, लेकिन इस खेल को अपनी आखिरी चाल से भयंकर परी खत्म करेगी। तुम भले ही मेरे कहने पर अपने असली रूप में सामने ना आओ, पर अपनी प्यारी परियों को बचाने के लिए तो सामने आओगी ना। नटखट परी, क्या तुम सामने आओगी या फिर इसी तरह अपनी प्यारी परियों को दर्द से तड़पते हुए देखती रहोगी? नहीं नटखट परी, अब हमारी चिंता मत कीजिए, आप इस भयंकर परी के सामने मत आइएगा। हाँ नटखट परी, आप जाइए यहाँ से। वाह नटखट परी, लगता है कि ये परियां ही तुमसे ज्यादा प्यार करती हैं, तुम सिर्फ अपने आप से प्यार करती हो। धुएं को रोक दो भयंकर परी, मैं तुम्हारे सामने आने के लिए तैयार हूं। मैं जानती हूँ कि तुम सब परियां मुझे अपनी रानी परी कभी नहीं मानोगी, इसीलिए तुम परियों को भयंकर परी के इस बुराई के परिलोक में रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। मैं अभी तुम सबको हमेशा हमेशा के लिए सर्वदा कैद खाने में कैद कर दूंगी। लेकिन अचानक ये तूफान कहां से आ गया परिलोक में? खुश रहो रानी परी, खुश रहो। खुश रहो बालवीर, खुश रहो। रोशनी कैसे फैल रही है भयंकर परी, कैसे? वही तो मैं भी नहीं समझ पा रही हूँ जयवीर, इस रोशनी का मतलब क्या है? मतलब बालवीर ने रानी परी को आजाद करा लिया है। बालवीर ने रानी परी को आजाद करा लिया है। बालवीर ने रानी परी को आजाद करा लिया है। बालवीर ने रानी परी को आजाद करा लिया है। क्या रानी परी? बालवीर, नटखट परी, आपको बालवीर मिल गया और उसने उसने रानी परी को भी छुड़ा लिया। बालवीर कैसे कर सकता है? बालवीर तो जीवित है, जीवित है, जीवित है। हाँ भयंकर परी, अब
तुम्हारा खेल खत्म। हाँ, तुम्हारे सिवाय सब जानते हैं कि बालवीर जीवित है। अब जब बालवीर जीवित है तो तुम सबका अंत तय है। नहीं, बालवीर दोबारा जीवित नहीं हो सकता। भयंकर परी के बाहर से वो नहीं बच सकता। 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 अच्छाई और सच्चाई को मिटाना तुम्हारे बस की बात नहीं है भयंकर परी। और बालवीर तो सच्चाई और अच्छाई का प्रतीक है, फिर उसे कैसे मिटाया जा सकता है? मगर तुम तो उस उबलते हुए पारे की नदी में गिर गए थे ना, तो फिर बचे कैसे? मुझे पहले से ही जयवीर पे थोड़ा संदेह था, इसलिए उस नदी के पार जाने से पहले ही मैंने अमृत रस पी लिया था, जिससे मैं उस पारे के नदी में गिरने के बाद भी जला नहीं और बच गया। तुम उस समय तो बच गए बालवीर, लेकिन इस बार हमारे वार से नहीं बच पाओगे। तुम्हें अपना माना, लेकिन तुमने हमारे साथ ही विश्वासघात किया, और इस विश्वासघात की आज बालवीर तुम्हें सजा देगा। Thank you.
हम रानी परी और बालवीर का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। चलो तबा तबा। आप भागो परी भयंकर, यहाँ से भागो। जयवीर चलो तो। चलो बालपरी, हम आपके बालों की जादुई शक्तियाँ आपको वापस करते हैं। खुश रहो रानी परी, खुश रहो। खुश रहो परियों, खुश रहो। जाने से अब सब कुछ पहले जैसा हो गया है। नहीं बालपरी, अभी सब कुछ पहले जैसा नहीं हुआ है। हमारा मतलब कि पृथ्वी लोक में बच्चों को सूचना नहीं मिली है कि उनका रक्षक, उनका प्रिय मित्र, हमारा प्यारा बालवीर अभी जीवित है। बालवीर, आप अपने दोस्तों से जाकर नहीं मिलेंगे? मिलूंगा रानी परी, जरूर मिलूंगा। तो जाइए बालवीर, अपने दोस्तों से मिलिए। और हाँ, वहाँ जाकर ये ऐलान भी कीजिए कि अब कोई भी बुरा या बदमाश बच्चा किसी अच्छे बच्चे को नहीं सताएगा। और हाँ, सच्चे बच्चों को बुराई से डरने की कोई जरूरत नहीं। जी रानी परी। मानव, ये तो अच्छा हो कि आज तू हम सबके साथ खेलने आया। हम सबको बहुत मजा आएगा। हाँ, इसलिए हम आज ज्यादा देर खेलेंगे। चल। नहीं नहीं नहीं, इधर पास में आओ। बड़े मजे से खेल रहे हैं। हाँ। बस अब हम क्या करेंगे? वही जो हम हमेशा करते हैं। अच्छे बच्चे मजा करे और रॉनी उनका मजा खराब ना करे, ये हो नहीं सकता। बालवीर के होते हुए बच्चों को कोई परेशान नहीं कर सकता रॉनी। विवान, रॉनी की किस्मत खराब है, ये तो हम लोग भूल ही गए थे। नहीं नहीं बालवीर, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग को यहाँ पे वो फुटबॉल रिटर्न करने दे। देखो बहुत मिस किया। यू आर द बेस्ट बालवीर। बोर हो गई हूँ इस रोने धोने वाली सीरियल से। महेश कुछ और लगाइए ना। कमाल है स्मिता, तुम ही ने कहा था ये प्रोग्राम ना करेंगे, इसलिए ये लगा हुआ है। हाँ तो अभी बदलने के लिए कह रहे हो तो बदल। बाबूजी हमेशा हमेशा ऐसा करते हैं। न्यूज़ लगा। ब्रेकिंग न्यूज़, ब्रेकिंग न्यूज़। अरे वाह बाबूजी, हमारा घर बचने की न्यूज़ टीवी में आ गई। अरे हमारे घर की खबर ब्रेकिंग न्यूज कैसे हो सकती है? मुझे पता है बाबूजी, वो हैप्पी सिंह जो है वो हमारा घर ब्रेक करने वाला था ना, इसलिए ये ब्रेकिंग न्यूज आई है। सॉरी बाबूजी, मजाक कर रहा था। मेरे साथ मजाक। न्यूज देखिए, आज की सबसे बड़ी बल्कि इस साल की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ये है कि बच्चों का बीबीबी बालवीर उनके पास वापस आ गया है। बच्चों से कहना चाहता हूँ कि उनका दोस्त बालवीर वापस आ गया है और अब वो हमेशा उनके साथ ही रहेगा।
और मैं बच्चों के परिवार वालों से भी कहना चाहता कि अब उन्हें बच्चों की सुरक्षा की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अब उनकी रक्षा करने के लिए उनका बालवीर उनके साथ है। बालवीर, 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 बालवीर। परियों, क्या हुआ? आप हमसे कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ रानी परी, वो दरअसल बाल परी को आपसे कुछ कहना है। रानी परी, दरअसल बात यह है कि आपके आगमन पर हम सब परियां आपका सही तरीके से स्वागत नहीं कर पाए, लेकिन अब हम सारी परियों ने मिलकर आपके स्वागत के लिए कुछ तैयारियां की है। जी रानी परी, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम सब वो तैयारियां आपको दिखाना चाहते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हम अवश्य देखना चाहेंगे। बस बस बस, थी केवल आपके हाँ कहने की देर। खुश रहो, खुश रहो डूबा डुबाओ, खुश रहो, खुश रहो। आपके स्वागत का ये ढंग हमें बेहद पसंद आया, हम खुश हुए। रानी परी, आप यहाँ नहीं थे तो हमें भयंकर परी से बहुत डर लगता था, मगर अब आप आ गए हो तो सब अच्छा होगा। रानी परी, हम सब आपके यहाँ आने से बहुत खुश हैं, और परी लोग को तो जैसे प्राण ही वापस मिल गए। जी रानी परी, सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि आपके होते हुए अच्छाई और सच्चाई पे कभी कोई आंच नहीं आ सकती। पर परियों, खुशी खुशी में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारी सबसे बड़ी दुश्मन भयंकर परी अभी भी जीवित है। जब हम भयंकर परी और उस जयवीर का अंत कर देंगे, तब जाकर हमें पूरी खुशी मिलेगी। तो बालवीर, जी रानी परी, कल सुबह आप और हम भयानक लोग जाएंगे और वहां जाकर उस दुष्ट भयंकर परी और उसके साथी जयवीर का अंत कर देंगे। जी रानी परी, कल का दिन भयंकर परी की जिंदगी का आखिरी दिन होगा। उधर से चलो।
घर से। रॉनी शायद तू भूल गया है कि बालवीर वापस आ गया है, इसलिए हम तुझसे नहीं डरते। और आज हम सब मिलकर तुम तीनों को छोड़ेंगे नहीं। अरे क्या हुआ रोनी, हो गई नहीं गई जल्दी? अभी हट हमारे सामने से, नहीं तो जो भी कर रहा था ना, मत मारो मत मारो, हम फिर से मार देंगे। और रोनी बालवीर के वापस आने से हम अच्छे बच्चों के दिन फिर से शुरू हो गए, और अब तुम बुरे बच्चों का टाइम ओवर। फ्रेंड्स सब लोग ध्यान से सुनो, आज के बाद से कोई भी सोनी से नहीं डरेगा, कोई नहीं। मुंह उठा के लेकिन आगे खाली हाथ मुंह लटका के जान लेने गए थे लेकिन जान बचा के भागा। तबा तबा गिरो के ऐसे ही आप दोनों बालवीर रानी परी और परियों के चरणों में मांगोगे अपने प्राणों की भीख, जब आएगा वो यहाँ तुम्हारा अंत करने। कोई नहीं आएगा यहाँ। क्यों है ना भयंकर परी? नहीं जयदी, तुम उन लोगों को इतनी अच्छी तरह नहीं जानते जितना कि मैं और तौबा तौबा। वो यहाँ जरूर आएंगे, आने दो। भयंकर भी उनके स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार है। अगर भयानक लोग की सीमा रेखा पर उनकी परछाई भी पड़ी तो उन पर तूफान की बारिश होगी, और इस बारिश में वो भीगेंगे नहीं बल्कि जल कर राख हो जाएंगे, राख। नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा उसे मैं। इसे बालवीर को ए मराया क्या मुझे? मैं तो सिद्धी मानो की बात कर रहा था। क्या कहा था उसने कि मुझसे कोई नहीं डरेगा? अब मैं उसकी ऐसी वाट लगाऊंगा ना जो जिंदगी भर मुझे याद रखेगा। चलो मेरे साथ। अरे इडियट, वहां पे नहीं यहाँ पे। अरे बॉस, हमें माफ कर दो। बॉस आपके साथ रहना मतलब मॉल के कुएं में मोटरसाइकिल चलाना। हमने डिसाइड कर लिया कि आज के बाद हम किसी भी बच्चे को परेशान नहीं करेंगे, वरना वो बालवीर जी हमारी पुंगी बजा देगा। अरे तुम लोग इतना क्यों डरते हो? मैं हूँ ना। इसी बात का तो डर है कि आप हो। बॉस बहुत हो गया, अब आपके साथ रहकर हमें बालवीर से पिटाई नहीं करवानी। पहले वो मोंटू गेंडा पिटवाता था, अब आपकी बेवकूफी की वजह से हम मार खाते रहते हैं। उस मोंटू को तो तुम लोग भूल जाओ।
वो डफर था, लेकिन मैं स्मार्ट हूं। वो डरपोक था, लेकिन मैं बड़ा डेयरिंग वाला हूं। तो अब अपना नाटक बंद करो, चुपचाप मेरे साथ में चलो, नहीं तो बालवीर तुम लोगों को बाद में पीटेगा, लेकिन मैं सॉरी बॉस, आते जब तक उस बिद्दी मानो से बदला नहीं ले लूंगा ना, मुझे चैन नहीं आएगा। अब चलो मेरे साथ। रॉनी, अभी तू बच्चा है, मेरे सामने कच्चा है, मेरे पीठ पीछे बहुत बॉस गिरी दिखा ली, लेकिन अब असली बॉस आ गया है। अब देख मैं तेरी कैसी हवा निकालता हूं। चलिए रानी परी, बुराई का अंत करने का समय आ गया है। रुकिए बालवीर, जरा सोचिए, अगर हम भयंकर परी की जगह होते तो क्या सीमा रेखाओं को यूं ही खुला छोड़ देते, ताकि कोई भी शत्रु आसानी से भीतर प्रवेश कर सके? नहीं बालवीर, हमें पूरा यकीन है कि भयंकर परी ने यहाँ कोई ना कोई सुरक्षा कवच अवश्य लगाया है। हम अभी पता लगाते हैं। बहुत आश्चर्य की बात है, यहां तो कोई सुरक्षा कवच नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? हमें इसमें भी भयंकर परी की कोई चाल लगती है। हाँ रानी परी, भयंकर परी की चाल को समझने के लिए हमें आगे बढ़ना ही पड़ेगा। चलिए चलिए बालवीर। जैसे ही मानव इस फंदे में अपना पैर डालेगा, वो चमगादड़ की तरह उल्टा लटक जाएगा। तुम दोनों हंस क्यों रहे हो? पत्ते कौन डालेगा? मैं। बॉस, एक बार फिर सोच। सोचने का काम मेरा है, तुम्हारा नहीं। दो, डालो। हो गया बॉस। हाँ मानो आ रहा है। हाँ, हाँ। चलो छुप जाते हैं। चलो यहाँ तो उसे बचाने के लिए कोई भी नहीं आएगा।
तो ये है मोंटू।